Yeah.
translate, okay? I am speaking Hindi after Maharaj telling English, okay? Hare Krishna. Prasi Jagannath Puri ki. Prasi Puri Dham ki. Hare Krishna. Om Jagannath Mirandasya Jnana Anjana Salakaya Chakshur Unmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namah Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Yaistadalai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Vancha Kalpadarubhasa Kripa Sindhavai Vacha Patitanang Pavanibho Vaisnave Vanamo Nama Nama Mahavadanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratu Se Nama He Krishna Karuna Sindho Dinavandho Jagatpate Gopi Sahagavika Tantra Sri Radha Kanta Namastuti Tapta Kanchana Gaurangi Adhi Vrindavaneswari Vrishabhaya Sute Devi Pranamani Hari Priye Vrindai Tulasi Dettai Priyai Kesava Sacha Krishna Bhakti Pradivevi Satyavatai Namo Namah Jai Rupa Sanatana Bhatta Raghunath Sri Jeeva Gopala Bhatta Das Raghunath Hei Chai Gosaini Kari Charna Bandar Jaha Haite Vibhnanas Abhishta Puran Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Itai Gaur Pramanande Hare Hare Gaur Vasi Gurudev Ki Hare Krishna Sarabratham Mari Guru Pad Bhadma Nitalila Pravishnam Vishnu Pad Ashtotara Satya Sri 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 Madhu Bhakti Sri Rup Siddhanti Goswami Maharaj Ke Charna Kamalame Ananta Prati Sashtana Dhanavad Pranam Gattam Tatpaschad Madhusikhya Gurupad Padma Nitrila Pravishna Vishnu Pad Ashtokara Satasri Sri Sri Madhu Bhakti Vedanta Srila Narayana Goswami Maharaj Ji Charno Sarajame Sradha Puspanjali Arpana Kartam Upastit Srila Vishnu Devat Maharaj Ananya Vaisna Vaisnavi Sabhi Kami Jatajaka Pranam Kartam Hare Krishna हम लोग बहुत बहुत हम लोगों का सौभाग्यवान है श्री नवद्वीप धाम परिक्रमा करने का बाद हम लोग श्री जगन्नाथपुरी में आए हैं इसलिए हम सबरे श्रवण कर रहे थे अगर नवद्वीप परिक्रमा करने का बाद अगर कोई पुरी धाम में नहीं आए तो उनका परिक्रमा पूरी नहीं होता क्योंकि श्री जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु परिशिष्ट लीला किया है परिशिष्ट मतलब है उनका जो बचा हुआ लीला अंतिम लीला की है यहीं पर संन्यास के बाद में महाप्रभु यहीं पर आते हैं इसलिए ये धाम का नाम है पूरी धाम का नाम क्या है पूरी जो खाने वाले पूरी नहीं इसलिए कहते हैं शास्त्र में बताया सप्त पूरी है हां प्लस सात पूरी है अयोध्या
मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिया, द्वारावती, क्योंकि ये सात पुरी है। वो सात पुरी में जो एक पुरी श्री जगन्नाथ पुरी, अब जो चार धाम बताया हमारे भारतीय संस्कृति है, अगर कोई चार धाम को परिक्रमा करे तो फिर इसी जगत में उसका जन्म मृत्यु से चिरकाल के लिए निकल करके भगवत धाम को प्राप्त करता है। चार धाम है, है? महाराज कौन सा है? अयोध्या है, फिर द्वारका है, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर और श्री बद्रीनाथ। कहती ये चार धाम है भारत में, ये विशेष विशेष है, ये विशेष ये चार धाम है। हरिमंद स्थान फोर धाम, जगन्नाथपुरी नौ नौ, वृंदावन मथुरा, वृंदावन मथुरा इज अ कृष्णस ओन हाउस, दिस इज द ओन हाउस, ये इज द मोस्ट ग्लोरियस दिस पुरी धाम। इसलिए ये चार धाम है, ये चार धाम है, इसलिए वो चार धाम में जो एक धाम श्री जगन्नाथपुरी धाम है। बोले श्री जगन्नाथपुरी की जय, जोर से बोले श्री जगन्नाथपुरी की जय। इसलिए पुरी मतलब होता है जहाँ पर भगवान का निवास हो, जैसे अयोध्या, मथुरा, माया, जो पुरी मतलब होता है पूर, मतलब जहाँ पर भगवान नित्य निवास करते हैं, इसलिए उसका नाम पुरी। इसलिए श्री जगन्नाथ पुरी को अलग अलग नाम से ये जगन्नाथ पुरी को पुकारा गया है। एक तो पुरी है और एक नाम है श्री नीलाचल क्षेत्र। कहते नीलाचल मतलब नील, अचल, अचल मतलब होता है पर्वत, नील मतलब होता है नील। कहते जो जगन्नाथ पुरी ये नील पर्वत ऊपर में ये विद्यमान है, इसलिए इसका नाम श्री नीलाचल क्षेत्र है, नीलाचल क्षेत्र। एक नाम है शंख क्षेत्र, इसको एक जो जगन्नाथपुरी का जो आकृति जो मैप है वो शंख जैसे, शंख ये मंगलवाची, जैसे जयध्वनि शंख बजाते ना, जिसको विजय प्राप्त हो, जिसको विजय प्राप्त हो वो क्या करते हैं, बोले शंख बजाते हैं, इसलिए ये शंख ये मंगलवाची। और भगवान की जो चार हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म, कहते उनके चार हाथों में ये चार आयुध है, और चार आयुध में एक आयुध अस्त्र है श्री शंख, इसलिए इसका नाम है श्री शंख क्षेत्र। और इसका और एक नाम है कहते श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, ये श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र। बोले पुरुषोत्तम क्षेत्र क्यों नाम पड़ा, बोले पुरुष समय जो उत्तम है, पुरुष समय जो उत्तम है, कहते पुरुष समय जितने भगवत अवतार हैं, मत्स्य, कुर्मा, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध, कल्कि, ये जितने अवतार हैं, कहते जितने सारे अवतारों में जो अवतारी, इनका जो मूल है पुरुष समय जो उत्तम है, इसलिए जिसको कहते हैं रामादि मूर्ति सुकला नियमेन तिष्ठन नाना अवतार मकरसु भुवनेश किंतु कृष्ण स्वयं समभवे परम पुमान जो गोविंदं मादि पुरुषम तमहं भजामि। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कृष्ण ही ये जितने सारे रामा आदि मूर्ति सु, जितने राम मत्स्य जितने अवतार हैं, कृष्ण है, ये सारे अवतारों को धारण करने वाले कौन हैं, बल्कि ये कृष्ण हैं।
ये कृष्ण ही आदि पुरुष है और ये कृष्ण ही श्री ये जगन्नाथ, जगन्नाथ ही कृष्ण स्वयं। इसे जिसको कभी जयदेव कहते हैं, बोले प्रलयो पयो धी जले धीता बाण शिवे दम बीता वही त्वचा रेत्रमखेदम केशव धीता मीन शरीर जय जगदे सारे हे जय जगदे सारे तब कर कमा लब रे नाख माधोत केशव का मतलब ब्रह्मा, इस मतलब होता है श्री शंकर जी। इनका जो प्रभु कौन है, श्री केशव श्री जगन्नाथ जी। ये जगन्नाथ नहीं, ये सारे अवतार श्री जगन्नाथ नहीं, ये सारे रूप को धारण किया, इसलिए भगवान का नाम केशव है। बोले केशम भयाति थी केशव, बोले राधा रानी का जो केश जो बाल है उनको जो श्रृंगार करते उसको चिरुणी से क्या बोलते कंघी से जो बड़े सुंदर सवार करके बड़े सुंदर चोटी बना देते हैं राधा जी की, इसलिए उनका नाम श्री केशव। इसलिए श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र है, इसका नाम श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, मतलब पुरुष में जो उत्तम कौन है, श्री जगन्नाथ जी। प्लस जगन्नाथ महाप्रभु की जय, प्लस बलदेव प्रभु की जय, प्लस सुभद्रा देवी की जय, प्लस सुदर्शन चक्र की जय। इसलिए श्री जगन्नाथ पुरी की अलग 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 इसका नाम में जगन्नाथ पुरी को पुकार गई। इसलिए स्वयं शंकर जी ये बात पार्वती को सुनाते हैं, बोले पार्वती ये जो जगन्नाथ पुरी है, हैं यदि भगवान के नित्य निवास स्थल है, जगन्नाथ कभी भी ये जगन्नाथ पुरी छोड़ करके कहीं भी जगन्नाथ जी नहीं जाते, नित्य यहाँ पर विराजमान। और इनका रोसे कौन बनाती है, साधारण व्यक्ति नहीं, माँ लक्ष्मी, जैसे कृष्ण के लिए श्री राधा रानी बनाती है, जगन्नाथ जी के लिए कौन बनाती है, कहते माँ लक्ष्मी स्वयं जगन्नाथ जी के लिए प्रसाद बनाते हैं। इसलिए यहाँ का प्रसाद का नाम है कैवल्य, उड़ीसा में प्रसाद को क्या कहते हैं, कैवल्य। कैवल्य मतलब होता है मुक्ति। अगर ये प्रसाद को कोई ग्रहण करता है, जगन्नाथ जी प्रसाद, आज सब सब श्री जगन्नाथ जी के प्रसाद सबको मिलेगा, इसलिए इसका नाम है कैवल्य। कैवल्य मतलब होता है मुक्ति, मतलब अगर कोई एक बार श्री जगन्नाथ जी की प्रसाद को ग्रहण करे, वो जन्म मृत्यु से चिरकाल के लिए मुक्त होकर के भगवत धाम गमन करता है। अगर जगन्नाथ जी की एक बार कोई जगन्नाथ जी की प्रसाद पाए तो, इसलिए जगन्नाथ मंदिर में जहाँ पर ये प्रसाद बिकता है वो स्थान का नाम है आनंद बाजार। क्या नाम है, आनंद बाजार, ये भूली ना बाजार है। बोले आनंद बाजार क्यों, बोले आनंद कब आता है, बोले खाने में, प्रसाद खाने में, प्रसाद से आनंद आता है जीव को।
इसलिए कितना महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णवे सल्प पुन्नन बतांग राजन विश्वास नहीं बचाते हैं। इसलिए जो चार चीज है वो अपराध की वस्तु है, भगवत अभिन्न वस्तु, भगवान अभिन्न चार वस्तु। बोले क्या क्या है? बोले महाप्रसाद, गोविंद, नाम और वैष्णव। कभी जो चार वस्तु ये भगवत स्वरूप, ये चार वस्तु भगवत अभिन्न। इसलिए कहते सल्प पुण्यम बतांग राजन विश्वास नहीं बजाते, जिनकी कम पुण्य है उनको किसका प्रति उनको विश्वास नहीं होता है, उनको विश्वास नहीं होता है। आज हम श्री जगन्नाथ जी महाप्रसाद खाएंगे पाएंगे, हम जगन्नाथ जी की महाप्रसाद की महिमा सुनेंगे। हाँ, एक समय श्री नारद जी उन्होंने सुना है अगर कोई भगवान की प्रसाद को नहीं ग्रहण करे, ठाकुर जी की प्रसाद को कोई अगर ग्रहण करे फिर वो जीव कभी भी ये जन्म मृत्यु का चक्कर में नहीं आता, वो जन्म मृत्यु से चिरकाल के लिए मुक्त होकर के भगवत गति को भगवत धाम को प्राप्त करता है। ये नारद जी एक समय ये बात वो सुने, सुन करके उन्होंने एक बार भगवान वैकुंठ में गए और भगवान को प्रार्थना किया, ठाकुर जी आपका थोड़ा प्रसाद चाहिए। नारायण बोले देखो ये प्रसाद मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये लक्ष्मी, ये रोसेक बनाती है लक्ष्मी, ये लक्ष्मी मेरे को खिलाती है और जो बच जाती है ये लक्ष्मी अवशिष्ट प्रसाद ये लक्ष्मी पाती है। इसलिए लक्ष्मी क्या करती नहीं करती ये मेरे को पता नहीं, अगर तुम प्रसाद पाना चाहते हो तो माँ लक्ष्मी के पास में जाओ। इतने में श्री नारद जी लक्ष्मी के पास में गए, बोले माता जी थोड़ी भगवान के अधरा मृत प्रसाद दो। लक्ष्मी बोले प्रसाद कितने कष्ट से मैं रोसी बनाती हूँ और प्रभु अपना अवशिष्ट जो प्लेट में छोड़ देते हैं उसको खा करके मैं अपना जीविका निर्वाह करता हूँ और ठाकुर का अधरा मृत है, इसलिए तुमको प्रसाद नहीं मिलेगा। उनको वहां से भगा दिए। जब भगा दिए इतने में श्री नारद जी फिर रोते बिलखते हुए श्री नारायण के पास में आए, बोले प्रभु जी माता जी तो मेरे को डांट लगा करके वहां से भगा दिया, बोले प्रसाद प्रसाद कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए आप भी बताओ। बोले कुछ काम कर सकते हो प्रसाद पाने के लिए? बोले आप जो बताओगे मैं करूँगा। बोले बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। बोले आप बताओ प्रसाद के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ, प्रसाद के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बोले देख तेरे को एक रहस्य बात बताता हूँ, मेरे मंदिर को पीछे एक कुआ है लेकिन वो कुआ ढका हुआ, तुम जाओ और वो कुएं को तुम ढकने को तुम खोल दो। ये इसमें कौन कर रहा है? हमारे रसिया वासन कौन कर रहा है? रसिया वासन बोल दे ट्रांसलेशन रसिया लैंग्वेज। ओके ठीक है ओके। इसलिए बल वो ढक्कन को खोलना और वो कुएं में स्नान करना, कुएं में स्नान करते ही तुम्हारी ये स्वरूप बदल जाएगी और एक सुंदर तुम गोपी रूप को धारण करोगे और वो गोपी रूप लेकर के तुम माँ लक्ष्मी के पास में जाना और उनकी चरण की सेवा को प्रार्थना करना और इतना सेवा तुम करना जैसे माँ लक्ष्मी रिझ जाए प्रसन्न हो जाए हैं? और जब कुछ देने के लिए वो चाहेगी फिर तुम उनको तीन बार कसम खिलाना, बल्कि ये चीज मुझे देना ही पड़ेगा, फिर लक्ष्मी को मांगोगे फिर तो प्रसाद बन सकता है। कर सकते हो? बल्कि प्रभु मैं कर सकता हूँ। इसलिए श्री नारद जी
बड़े सुंदर गोपी मूर्ति धारण करते हुए माँ लक्ष्मी की चरण सेवा उन्होंने की और इतना सेवा उसने की, इतने सेवा की। अब देखना जब पत्नी पति को बहुत ज्यादा सेवा करती है, कोई पत्नी अगर पति को बहुत ज्यादा सेवा करती है ना, फिर पति समझ जाता है ये कुछ मांगने वाली है, ये कुछ मांगने वाली है ना, उसको पता चल जाता है इतना क्यों कर रही है, दाल में कुछ काला है, हाँ ये कुछ मांगेगी तभी इतना ये सेवा करती है और इतने मीठी मीठी बोली बोल रही है और क्या चाहिए और क्या दो, हाँ इसलिए कुछ मांगने वाली है। इसलिए लक्ष्मी इतने संतुष्ट हो गई, बोले अभी तक तो हमारी बहुत सारी सेविका आई लेकिन इतना सेवा किसने नहीं की, हाँ इतने सेवा नहीं की, मैं तेरी सेवा में बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ तुमको क्या चाहिए। बोले तभी मैं मांगूंगी आप जब तीन बार कसम खाओगे, तीन बार प्रतिज्ञा करोगे, तब माँ लक्ष्मी कसम खाती है तीन बार, दूंगी दूंगी और दूंगी। इतने में कहते मेरे को ठाकुर जी का थोड़ा प्रसाद, तो ठाकुर जी की प्रसाद अधरा मृत चाहिए। जब उन्होंने प्रसाद मांगे लक्ष्मी समझ गई ये कोई साधारण नहीं, क्योंकि इतना दिन से ये सेवा कर रही थी, इतने सेवा कर रही थी और उसको बाद में उसने प्रसाद मांगी, मतलब प्रसाद के लिए इतना परिश्रम उसने की है, इसलिए ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है, क्योंकि जब महाप्रभु का जो प्रसाद है ना, ये प्रसाद की महिमा सब नहीं जानते हैं। बोले तुम बताओ तुम कौन हो, जब उन्होंने ये बात बताए तब उन्होंने बताए, फिर उन्होंने अपना नारद जी अपना स्वरूप को उन्होंने श्री नारद जी अपना स्वरूप को उन्होंने प्रकट की। लक्ष्मी बोले हाँ इतने साल पहले तुमने प्रसाद मांगने के लिए आई थी ना, बोले हाँ, बोले इसका रास्ता किसने बताया, तेरे को ये मार्ग किसने बताया ऐसे ऐसे करना, बोले स्वयं ठाकुर जी, स्वयं ठाकुर जी हमें ये बात बताए। लक्ष्मी कसम खा चुकी है, इसलिए जय जगन्नाथ महाप्रभु की, बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की जय। बोले हरे कृष्णा, बोले हाँ समझ गई हूँ, बोले भगवान स्वयं बताए, प्रतिज्ञा कर चुकी है। जब भगवान प्रसाद पाए माँ लक्ष्मी जैसे दाल अन्न सब्जी डालमा, आज जो प्रसाद आप लोग खाओगे, आज जो जो चीज खाओगे ना, ये माँ लक्ष्मी बनाई हुई, अरे यही लक्ष्मी जो बनाई हुई, आज जो अन्न आया है दाल सब्जी महुर अमृतसर उड़ीसा भाषा में है, ये जो चीज आई है ना डालमा पास, जो उसको महा भगवान प्रसाद पाने के बाद सब मिला है, मिला करके उन्होंने के ढेला बनाए और श्री नारद जी को दिया। और नारद जी कितना साल को बाद में, कितने सालों को बाद में नारद जी को जब भगवान की प्रसाद मिले, नारद तो नाचना शुरू कर दिया है, बोले जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण
कहाँ नाचना शुरू करती, नाचते नाचते कहाँ पर पहुंचे, कैलाश पर पहुंचे। कैलाश में श्री शंकर जी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शंकर जी भजन कर रहे थे, उन्होंने देखा भैया क्या बात है, नारद जी इतने आनंद से क्यों नृत्य कर रहे हैं। हाँ, नारद जी का अंदर में आनंद तो है, लेकिन आज तो कोई विशेष आनंद दिख रहा है, कोई विशेष आनंद दिख रहा है, आज इतने आनंद क्यों। इतने में श्री शंकर जी नारद जी से पूछे, बोले नारद जी क्या बात है, आप इतने छलांग लगा लगा कर क्यों नाच रहे हो। आज हमें भगवान जी की प्रसाद मिला है। बोले प्रसाद मिला, नियम है प्रसाद बाटी न खाई हो, अल्प बहुत न खाई हो। हाँ, उड़ीसा भाषा में कहते हैं प्रसाद को अकेला नहीं खानी चाहिए, प्रसाद को बांट कर खानी चाहिए, फिर बैकुंठ जाते हैं। बांट कर खाओ तो कहाँ जाओगे, बोले प्रसाद बोले बैकुंठ जाते हैं। हैं, बोले प्रसाद कुछ मेरे लिए बचा बच्चा कुछ रखा कि नहीं। बोले अरे इतने हजार साल की मैया लक्ष्मी की सेवा करने के बाद हमें ये थोड़ी सी प्रसाद मिला, थोड़ी सी हमें प्रसाद मिला। बोले देखो ना तुम्हारे हाथों में भी थोड़ा बहुत लगा होगा, हाथों में लगा होगा। देखा सचमुच से नारद जी का हाथों में केवल एक जगन्नाथ जी की अन्न का, जगन्नाथ जी का एक अन्न का दाना लगा हुआ, केवल एक अन्न का दाना। इतने में श्री शंकर जी जब एक दाना अन्न शंकर जी खाए, शंकर जी का हृदय में तो कृष्ण प्रेम जागृत हुआ है। शंकर जी के हृदय में कृष्ण प्रेम जग उठा, फिर शंकर जी और नारद जी दोनों वहीं पर तांडव नृत्य प्रसाद पा करके वहीं नाचना शुरू कर दिया है। वहीं पर शंकर जी नाचना शुरू कर दिया। जब शंकर नारद नाच रहे थे, मैया पार्वती बोली, बोले भैया क्या बात है, आज ये दोनों इतने आनंद से क्यों नृत्य कर रहे हैं। माँ पार्वती पूछे, प्रभु क्या बात है, आप दोनों आप इतने आनंद से क्यों नृत्य कर रहे हो। बोले पार्वती आज हमें जगन्नाथ जी की प्रसाद मिला है। पार्वती बोली, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आप तुम्हारी पत्नी हो। नियम है पति को जो कुछ मिले उसका आधा हिस्सा पत्नी को मिलनी चाहिए, क्योंकि वो अर्धांगिनी है। हाँ, पत्नी को अर्धांगिनी बताएगा, आधा अंग पुरुष का। बोले मेरे लिए कुछ रखे कि नहीं, बोले अरे एक अन्न का दाना हमें मिला, बोले जो कुछ मिला उसका आधा हिस्सा उसमें मेरी थी। इतने में माँ पार्वती को तो क्रोध आ गया, बोले ये नारद जी बड़े कंजूसी, इनको प्रसाद मिला तो अकेला ही खा लिए, श्री शंकर जी को मिला शंकर जी भी अकेले खा लिए। इसलिए मैया पार्वती बोली, और मैं ये कैलाश लोक में मैं नहीं रहूंगी, मैं जाऊंगी श्री जगन्नाथपुरी, श्री जगन्नाथपुरी में मैं जाऊंगी, और जगन्नाथ जी का जो प्रसाद सबसे पहले मुझे मिलेगी, फिर ये प्रसाद शंकर और नारद जैसे मैं ऐसे नहीं करूंगी, क्योंकि माँ है ना, देखना घर की माँ क्या करती है, पहले अकेले नहीं खाती है, पहले बना करके पति को खिलाएगी, बच्चों को खिलाएगी, और लास्ट में माँ लास्ट में खाता है, हैं? क्योंकि वो माँ है। इसे देखना माँ बोलते है ना मुंह खुल जाता है, माँ माँ बोलो माँ, ओपन योर माउथ यू नो माँ, मीनिंग मदर मस्ट सी गिव समथिंग टू यू यू नो माँ। माँ बोलते ही ये मुंह खुल जाते, भैया मेरे को खाना खिलाइए माँ। इसलिए माँ पार्वती हाँ ये प्रतिज्ञा करके आई, मैं अकेली खाना नहीं खाऊंगी, मैं खा करके सारा दुनिया को खिलाऊंगी।
इसलिए हर जगह में प्रसाद कहते हैं। लेकिन श्री जगन्नाथ पुरी में प्रसाद नहीं, महाप्रसाद, महाप्रसाद। बोले क्यों? बोले जब भगवान को कोई चीज भोग लगे वो होता है प्रसाद। लेकिन वही चीज जब श्री भगवान की कोई प्यारे भक्तों को लगे फिर वो प्रसाद नहीं, वो हो जाता है महाप्रसाद। बस महाप्रसाद की जय। बोले माता पार्वती देवी की जय। इसलिए जगन्नाथ जी के हैं, जगन्नाथ मंदिर का जो मेन जो प्लेट है जगन्नाथ जी खाने का बाद वो सीधा माँ पार्वती को पास में आती है, बिबला को पास में आती है। इसलिए प्रभुपाद को जो वहाँ बिबला है, हाँ बिबला है, बिबला कभी जगन्नाथ जी की शक्ति है। और उसे भक्ति विनोद ठाकुर इन्हीं से ही, भक्ति विनोद ठाकुर नटवर की बेटर इंग्लिश चेंज होते जसोधरा दीदी तो ओके ना, अद्वै जी की रेटी ना আমি আপনাকে দু তিনটে দিলাম ওগুলো উঠাই দিন একটা তো সুন্দর রূপ প্রবলেম না ওইটা আছে তো দেখেন বেটারি চার্জ করেন হরি কৃষ্ণ जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जन्म हुई है इनकी कृपा से ही। इसलिए इनका बचपन का नाम भक्ति विनोद रखा बिमला प्रसाद, बिमला प्रसाद प्रभुपाद का बचपन का नाम है। इसलिए आज जो
हम लोगों को प्रसाद पाएंगे क्योंकि इसका नाम भी विमला प्रसाद, क्योंकि पहले जगन्नाथ जी, उसके बाद में विमला देवी, फिर वो प्रसाद करे हम लोगों को मिला था, इसलिए ये भी विमला प्रसाद है, हैं? ये भी विमला प्रसाद है, इसलिए देखो आज हम लोग कितने सौभाग्यवान हैं, आज हम लोग कितने सौभाग्यवान हैं, कितने सौभाग्यवान, जो प्रसाद के लिए नारद जी कितने हजार साल तक माँ लक्ष्मी की चरण की सेवा की है, कितने हजार साल तक, और जिस प्रसाद को शंकर जी एक टीका खाए तो उन्माद हो गए, और जिस प्रसाद को माँ विमला स्वयं जिस प्रसाद को पाने के लिए उन्होंने छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, उन्हें कैलाश लोक को त्याग दे करके इसी मर्त्य जगत में आए, इसलिए जिस प्रसाद के लिए एक महाप्रसाद का कीर्तन है, बोले जिस प्रसाद के लिए ब्रह्मा शंकर नारद उद्धव आदि जिस प्रसाद के लिए तरसते हैं, लेकिन आज वो जगन्नाथ जी का प्रसाद, आज हमें वो जगन्नाथ जी की प्रसाद हमें मिलेगा, इसलिए समझो हम लोग कितने सौभाग्यवान, कितने सौभाग्यवान हैं, इसलिए पुरी में हम लोग तो जगन्नाथ पुरी मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, विदेश लोग मंदिर की चारों तरफ में जितने सारे 33 करोड़ देवता का मंदिर है, मंदिर की चारों तरफ में सारे 33 प्रद्युम्न, पिताजी कहाँ है, पिताजी हमको बुला ले इधर आ, इसलिए मंदिर की चारों तरफ में ये 33 करोड़ देवताओं की मंदिर है, पूरा चारों तरफ में, वहां पर जब श्री जगन्नाथ जी को भोग लगता है, भोग लगने का बाद जगन्नाथ जी को है वहां पर एक व्यक्ति इतना बड़ा मजरा लेगा, बड़ा मजरा लेगा, और ये मंदिर का चारों तरफ में करताल लेकर के पूरा मंदिर के चारों तरफ में घूमेगा, और ऐसे जोर जोर से बजा बजा करके, ऐसे बजा बजा करके पूरा मंदिर का चारों तरफ में वो घूमेगा, बोले क्यों, कारण क्या, बोले कारण है अभी जगन्नाथ जी प्रसाद पाएंगे, जगन्नाथ जी प्रसाद के बाद में 33 करोड़ देवता जगन्नाथ जी की प्रसाद की लोभ से सबके सब बैठे हुए, जगन्नाथ जी के प्रसाद मिलेगा, इसलिए ये झांझ बजा करके ना निमंत्रण देते हैं, बोले जगन्नाथ जी प्रसाद पा चुके हैं, हमारे गौड़ी मठ में देखना, हाँ यहाँ पर देखें हमारे गौड़ी मठ में एक बेल लगा हुआ होता है, लखनिया में रहना यहाँ पर बेल, आप देखना जब ठाकुर जी को भोग लग जाता है ना, और एक व्यक्ति घटी हो जाते हैं, कहते बेल हो जाते हैं, वैष्णव हो आ जाओ भगवान की प्रसाद हो गया है, सबके सब आ जाओ अभी भगवान की प्रसाद सबको मिलेगा, कहते उसी तरह ये जगन्नाथ जी की प्रसाद पाने के लिए 33 करोड़ देवताओं को निमंत्रण देते हैं, भगवान की भोग लग गया अभी सबके सब आ जाओ जगन्नाथ जी की प्रसाद आपको मिलेगा, इसलिए बड़े झांझ लेके सबको निमंत्रण देते हैं, इसलिए जगन्नाथ जहाँ पर आनंद बाजार है, अब रात को जाओ वहां पर इधर उधर जो चावल है अन्न बिखरा हुआ पड़ा हुआ होता है, चारों तरफ में अन्न बिखरता हुआ पड़ेगा, लेकिन अब सवेरे जाओ वहां पर एक अन्न का दाना भी नहीं मिलेगा, बोले भैया कहाँ गया, बोले रात को देवता लोग स्वर्ग से उतर करके आते हैं, हैं? उतर करके आते हैं, और जो एक एक अन्न का दाना पड़ा हुआ होता है उसको उठा उठा कर खाते हैं, एक एक अन्न का दाना उठा उठा करके खाते हैं, इसलिए सवेरे देखो वो एक भी अन्न का दाना सवेरे नहीं मिलेगा, हैं? इसलिए आज जो ये जगन्नाथ जी जो प्रसाद आया है समझो हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं, हम सबके सब श्री जगन्नाथ जी की प्रसाद, आज हमें जगन्नाथ जी की प्रसाद की प्राप्ति होगी, बड़े भाग्य से जगन्नाथ जी की ये प्रसाद मिलता है,
कहते श्री जगन्नाथ पुरी में जो निवास करते हैं, कहते देवता लोग हैं, कहते देवता लोग उनको चतुर्भुज रूप में दर्शन करते हैं, सबके सब चतुर्भुज रूप में, क्योंकि ये जो जगन्नाथ पुरी है ये अभिन्न वैकुंठ धाम है, ये अभिन्न वैकुंठ धाम है, इसलिए उनको सबके सब चतुर्भुज रूप में दर्शन करते हैं। यहाँ तक भी कितने कीड़े मकोड़े गधे पशु पक्षियों को भी उन्होंने दो हाथ से नहीं, इनको चार हाथों से इनको सबके सब देवता लोग इनको दर्शन करते हैं, चार हाथों से इनको दर्शन करते हैं। इसलिए सवेरे हम दर्शन करने के लिए गए थे ना, सवेरे दर्शन देखना वहां पर एक क्रेमेटी है, वहां पर एक स्मशान था, आप देखते होंगे वहां पर एक क्रेमेटी स्मशान था, उसका नाम है स्वर्ग द्वार, उसका नाम है स्वर्ग द्वार, मतलब है मरने का बाद अगर किसी व्यक्ति को यहाँ पर ला करके वो जला दिया, यहीं पर उसको अंतिम संस्कार कर दिया, उसका जो शरीर ये रज को धाम को स्पर्श कर गया, फिर वो कहाँ प्राप्त होता है? साधारण लोग तो उसको स्वर्ग द्वार कहते हैं, वो स्वर्ग नहीं, वो भगवत धाम को प्राप्त करता है, भगवत धाम को प्राप्त करता है अगर उनकी अंतिम संस्कार अगर हो जाए। इसलिए हमारे उड़ीसा में है, हमारे उड़ीसा में कहीं भी शरीर छोड़ता है, दूर से लोगों को ला करके वो कोशिश करते हैं जैसे ये स्वर्गद्वार में उनकी अंतिम संस्कार हो। इसलिए आप वहां पर जाकर देखना 24 घंटा 3, 4, 5, 6, 8, 10 व्यक्ति एक एक साथ में अंतिम संस्कार होता है, एक एक साथ में 24 घंटा उनका अंतिम संस्कार होता रहता है, अंतिम संस्कार लोग दूर से ला करके यहीं पर संस्कार करवाते हैं। और यहाँ पर हमारे देश में जैसे हमारे देश में श्राद्ध होता है ना, नाम सुन होंगे, मरने का बाद जो श्राद्ध देते हैं हमारे हमारे उड़ीसा में नियम है, ये जगन्नाथ जी का प्रसाद से वो अंतिम श्राद्ध जो पितृ पुरुषों को श्राद्ध देते हैं। बोले क्यों? कारण क्या? बोले कारण है अगर इनको ये जगन्नाथ जी प्रसाद को श्राद्ध रूप में पितृ पुरुषों को अगर प्रदान करे तो जगन्नाथ जी प्रसाद पाने के बाद फिर उसका जितने सारे पापों से वो व्यक्ति उसको मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं हमारा गांव यहाँ से कितना किलोमीटर, 8-10 किलोमीटर हमारा गांव है, कभी कभी हमारे गांव के लोग इधर आकर के जगन्नाथ का प्रसाद लेकर के जाते हैं, जब जाते हैं ना कभी कभी ऐसे दिखाई पड़ा टोकरी में सरबर लेकर के जाते हैं, लेकिन जब गांव में जाकर देखा प्रसाद है नहीं, सर पर प्रसाद लेकर के जाते हैं, जब गांव में जाते हैं ना वो टोकरी में प्रसाद है नहीं। बोले कहां गया? बोले रास्ता में जो भूत लोग हैं उनको पता है अगर ये जगन्नाथ का प्रसाद अगर हमने खा लिया तो क्या होगा, हमारी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए जो गांव में पहुंचे देखे उसमें कुछ है नहीं, दाल चावल सब खत्म, फ्रीज, क्योंकि रास्ता में ये जो प्रेत लोग जो भूत प्रेत हैं ये प्रसाद को पाकर तो उनको भी ये मुक्ति उनको मिल जाती है। इतने महिमा श्री ये जगन्नाथ जी के प्रसाद की, इतने महिमा श्री जगन्नाथ जी का प्रसाद। और एक आश्चर्य चीज है, कहते साक्षात माँ लक्ष्मी ये प्रसाद बनाती, उसमें एक बहुत बड़ा आश्चर्य चीज है, यहाँ पर जो खाना बनती है ना एक पात्र के ऊपर दूसरे पात्र से रख लेते हैं, 3-4 पात्र ऐसे ऐसे मिट्टी का पात्र में बनता है, ऐसे ऐसे रख लेते हैं और नीचे से आग लगाते हैं, हाँ नीचे से जलती है, लेकिन एक साथ में और जो 4-5 जो पात्र में उसमें जो चावल होता है ना वो एक साथ में पक जाती है, वो एक साथ में ये सबके सब एक साथ में पक जाती है। ये एक आश्चर्य घटना है जो सबके सब एक साथ में ये सबके सब पक जाती, बड़े आश्चर्य चीज है ये पक जाना। इसलिए श्री जगन्नाथ पुरी धाम की विशेष महत्व है। अभी हम जहाँ पर बैठे हैं, अभी हम जहाँ पर ये बैठे हुए हैं ये बहुत पवित्र स्थान है जहाँ पर हम लोग यहाँ बैठे हैं। भले जगन्नाथ जी इसको कथा हम तो जाकर वहां सुनेंगे, एक दिन यहीं पर
पास में जो मंदिर दिखता है, है? कहते यहीं पर ही श्री जगन्नाथ जी दारू ब्रह्म रूप में, लकड़ी रूप में जगन्नाथ जी बहते 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 जो नील माधव, उसका कथा बाद में सुनेंगे, वो नील माधव बहते बहते कहाँ पर आए? सबसे पहले हमारे मंदिर में, यहीं पर लगे, हम जहाँ पर बैठे हैं यहीं पर ही वो दारू ब्रह्म बैठ लगे, और यहीं सही राजा उनको सोने की सिंहासन में बैठा करके इनको यहाँ से श्री मंदिर तक ले गए, और वहां पर फिर ठाकुर जी बने। लेकिन सबसे पहले ठाकुर जी यहीं पर, इसलिए कि स्थान का नाम है चक्र तीर्थ, इसका नाम श्री चक्र तीर्थ है, क्योंकि वो लकड़ी में संख चक्र गदा पद्म का जो चिन्ह है वो लकड़ी में, वो सारे चिन्ह उसी लकड़ी में था, इसलिए ये स्थान का नाम है चक्र तीर्थ है ये स्थान। इसलिए हर दृष्टिकोण से ये स्थान की बहुत बहुत महिमा। इसलिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, एक तो जगन्नाथ जी पूरी धाम में, ये तो महिमा है ही है, लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु जब श्री जगन्नाथ पुरी में आए, और इसलिए कहते जो इच्छा को उन्होंने गोलोक वृंदावन में भी, उन्होंने जिस इच्छा को वो पूरी नहीं कर पाए, कहते वो इच्छा को कहाँ पूरी किए, बोले श्री जगन्नाथ पुरी में ही वो पूरी किए। गंभीरा में कल हम लोग जाएंगे, गंभीरा में जाएंगे जहाँ पर महाप्रभु 18 साल तक जहाँ पर महाप्रभु रहे, कल हम लोग जाएंगे। महाप्रभु यहीं पर आकर के अपना भक्तों को साथ में, बल किसको किसको साथ में, बोले स्वरूप दामोदर राय रामानंद, अभी कौन है, ललिता विशाखा रघुनाथ दास गोस्वामी नामाचार्य हरिदास ठाकुर श्री रूप गोस्वामी श्री सनातन गोस्वामी, इनको साथ में महाप्रभु यहाँ पर लीला की। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, है? ये जो जगन्नाथपुरी धाम है ये अद्भुत धाम है। कल आज भी सवेरे गए थे जहाँ पर गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन राधा श्याम सुंदर राधा गिरिधारी, मतलब वृंदावन के सारे ठाकुर यहीं पर है सारे, इसलिए ये अभिन्न एक तरह से अभिन्न श्री ब्रजमंडल से वृंदावन धाम है। हम राधा कुंड श्याम कुंड भी दर्शन करेंगे एक दिन, यहाँ पर हरिदास ठाकुर जहाँ रहते थे उसको बरसाना कहते हैं, और आज हम जब चटक पर्वत श्री गिरिराज गोवर्धन है वहाँ पर बंसी बैठे हैं जहाँ से श्री कृष्ण प्रकट हुए। इसलिए हर तरह से ये जो जगन्नाथपुरी जो धाम है ये हर तरह से ये सर्वश्रेष्ठ धाम श्री जगन्नाथपुरी धाम, और विशेष करके हमारे गुरुदेव भी यहीं पर रहे, और गुरुदेव जो अंतिम लीला उनका जो अंतिम लीला गुरुदेव ने यहीं पर उन्होंने अप्रकट हुई यहीं पर, इसलिए ये स्थान बहुत बहुत श्रेष्ठ स्थान श्री शंख श्री चक्र तीर्थ है, और श्री दामोदर गौर हरे कृष्ण बोले जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की जय, सफर कर गौर हरि की जय, लीला चल धाम की जय। हमारे श्री विष्णु देवेंद्र महाराज जी आपको कुछ जगन्नाथ